टूरिज्म को प्रमोट करने के प्रयास हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद ही शुरू हो गए थे। आपने देखा होगा हिंदुस्तान का दिल देखो जैसे एड काफ़ी चर्चित हुए थे। हमारे यहाँ टूरिज्म कई क्षेत्रों में है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का कोई मुकाबला नहीं है। हम टाइगर स्टेट हैं, हम बल्चर स्टेट हैं, हम हरियाल स्टेट हैं, हम लेपर्ड स्टेट हैं, चीता स्टेट भी हो गए, तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कैसे बढ़े, हेरिटेज टूरिज्म कैसे बढ़े, अलग अलग सांची भीमबेटका खजुराहो, हमने जल के बड़े बड़े डैम थे तो जल महोत्सव कैसे हो, तो हनुमंतिया हमने खड़ा कर दिया। आप कभी सैलानी जाएं ओंकारेश्वर के पास तो पानी में ही टापू को डेवलप कर दिए, गांधी सागर में हो गया। तो हमने कहां कहां संभावनाओं को देखा। जहां तक महाकालेश्वर का सवाल है, ओंकारेश्वर का सवाल है, देखिए ये हमारी श्रद्धा और आस्था के केंद्र है। अटूट आस्था और विश्वास हमारा है। हमने टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप नहीं किया। महाकाल महाराज के दर्शन करने जाएं तो दर्शन करके पूजा करके वापस आ जाते थे, हमको लगा कोई ऐसी रचना खड़ी हो जाए कि लोग देखें। भगवान शिव की कथा शिव पुराण के बजाय या उकेर के दिखा दें तो बच्चों को भी समझ में जाए, तो उससे हमारी संस्कृति और संस्कार भी जाते हैं। लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट देखिए, अकेले उज्जैन में शनिवार इतवार को 1.5 से लेकर 2 लाख लोग महाकाल दर्शन करने और महाकाल लोग को देखने आते हैं। 1 लाख तो रोज ही आते हैं। होटल फुल हो गए, होम स्टे की व्यवस्था हो गई, रेस्टोरेंट खुल गए, टैक्सी ऑटो गाड़ियाँ, हालत बदल जाती